अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं हूँ ऐत कुरैसी और आप देख रहे हैं आयत इस्लामिक वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम जानेंगे सुभान अल्लाह कहने की फजीलत। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसने सुबह व शाम 100-100 मरतबा सुभान अल्लाह कहा तो वह 100 नफल हज करने वालों की तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक बार या कहे उसके लिए जन्नत में खजूर का एक पेड़ लगा दिया जाता है। सुभानल्लाहिल्लज़ीम व बिहम्दिही। तर्जुमा, अल्लाह ताला अपनी तमाम बढ़ाइयों और खूबियों के साथ पाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स रोज़ाना 1000 नेकी करने से भी मजबूर है? साथियों में से किसी ने पूछा कि हम में से कोई शख्स 1000 नेकी कैसे करे? आपने फरमाया, वह 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहे तो उसके लिए 1000 नेकी लिखी जाती है। या आपने फरमाया कि उसके 1000 गुना ख़त्म कर दिए जाते हैं। सुभानल्लाहि व बिहम्दिही। अल्लाह अपनी तमाम खूबियों समेत पाक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एक दिन में 100 मरतबा या कहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर भी हो तो माफ़ हो जाते हैं। आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल आयत इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 5 वक्त की नमाज ज़रूर पढ़ें, नमाज फ़र्ज है, नमाज छोड़ने की कोई माफ़ी नहीं। और दुआ में मुझे भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।